नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम है आपके अपने चैनल फन विद मैथ्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी सारे बच्चों को नहीं आता, तो मैं आपको इस क्लास में बिल्कुल इजी तरीके से और मज़ेदार तरीके से ये जो चैप्टर है या ये जो टॉपिक है वो क्लियर करवाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और करते हैं हम इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले जो लाइंस एंड एंगल्स हैं, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि लाइंस कितनी तरह की होती हैं। क्या करेंगे? लाइंस के टाइप्स पढ़ेंगे। लाइंस के क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। सबसे पहली लाइन क्या होती है? जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बढ़ती रहे, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक चलती रहे एक ही डायरेक्शन में। ये जैसे इस डायरेक्शन में जाएगी और ये इस डायरेक्शन में जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? लाइन। दूसरी क्या होती है? रे। रे क्या होती है? जो सिर्फ एक पॉइंट से एक डायरेक्शन में चलती रहती है, जैसे इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जा रही है, ये तो ये क्या होगी? एक रे, या इसको हिंदी में बोले तो किरण, और लाइन को बोलते हैं रेखा। सेकंड, जो हमारा रे के बाद आता है वो क्या आता है? लाइन। लाइन को साइन लिख दिया, सॉरी, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। ये क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसमें एरो नहीं होता। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक, मैं आपको शेप बना के दिखाता हूं, जैसे ये शेप है, इस शेप में नाम देता हूं इसको ए बी सी डी। अब इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? देखो, एक ए से लेकर बी तक ए बी, एक हमारा होगा लाइन सेगमेंट। दूसरा क्या होगा? बी से लेकर सी तक, ये भी क्या होगा? लाइन सेगमेंट। और जब भी हम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो हमें ऊपर ऐसे एक लाइन जो है वो डालनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा इसमें लाइन सेगमेंट क्या होगा? सी डी। क्या होगा? सी और डी, ये भी क्या है? लाइन सेगमेंट। देखिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ऐसे ही डी ए, ये भी क्या है? एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये भी यहां से स्टार्ट होकर यहां पे खत्म हो रहा है। तो लाइन सेगमेंट आपको पता चला होगा, रे आपको पता चली होगी, और लाइन क्या होती है? जो दोनों ही डायरेक्शन में चलती रहती है। अब हम बात करते हैं हमारे एंगल्स के, ठीक है। अब लाइनों के मतलब, एक लाइन पर जब एक एंगल बनता है, ठीक है, एक एंगल बनता है, तो वो क्या होता है? क्या होता है वो एंगल? देखो कैसे, जैसे ये एक लाइन है ए बी, ए बी एक लाइन है और इस पे सी एक रे है, ओ सी बोल देते हैं इसको। ओ सी क्या है? एक रे। ओ सी क्या है? एक रे। ए बी क्या है? एक लाइन। यहाँ पे लगा लो 30 डिग्री जो हमारा एंगल है वो बन रहा है। तो हम इन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं और क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा एंगल होता है, टाइप्स ऑफ एंगल, तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला जो एंगल होगा वो होगा राइट एंगल। क्या? राइट एंगल, जिसे बोलते हैं समकोण। अब ये जो एंगल होता है वो कौन सा होता है? देखिए, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम इस पर, और इस पर 90 डिग्री का एक एंगल, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, जो एकदम स्ट्रेट होता है। क्या होता है? एकदम स्ट्रेट, तो इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात करें राइट एंगल के बाद, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? ये वो एंगल होगा जो 90 से क्या होगा? कम। क्या होगा? 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री। क्या होगा? ये लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो राइट एंगल है ये क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री इक्वल होगा और ये 90 डिग्री से कम होगा। जैसे 90 डिग्री से कम 89, वो भी क्या है? एक्यूट एंगल। 88 एक्यूट एंगल, 80, 30, 40, 90 से जितने भी नंबर कम है वो सारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल। तीसरा एंगल हमारा होता है जो 90 से बड़ा हो, जो 90 से क्या हो? बड़ा। जैसे 120 डिग्री, तो ये क्या है? मोर देन 90 डिग्री। क्या है ये?
मोर देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से बड़े को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को क्या होगा जो 90 डिग्री से बड़ा है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा है, और जो 90 डिग्री का है उसे क्या बोलेंगे राइट एंगल। बहुत बढ़िया। अब एक और एंगल होता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, क्या बोलते हैं जिसे स्ट्रेट लाइन एंगल। देखो स्ट्रेट लाइन एंगल, ये स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, इसे बोलते हैं एक लाइन जो कितने डिग्री का वो बनाती है एंगल 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का हर एक लाइन एंगल बनाती है जिसे बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन एंगल। उसके बाद स्ट्रेट लाइन एंगल में भी हम एक पढ़ेंगे लीनियर पेयर के बारे में, जो तुम्हारे चैप्टर्स में बहुत यूज होने वाला है, तो इसे ध्यान से देखना। देखिए लीनियर पेयर मैं आपको यहां पे बना के दिखाता हूं, ठीक है। लीनियर पेयर की बात करें फिफ्थ, तो लीनियर पेयर वो पेयर होता है जिन दो पेयर्स को जैसे कि स्ट्रेट लाइन एंगल है, इसको हमने दो एंगल्स में डिवाइड किया, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब कि दो एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब आपको मैं और एक चीज बताने जा रहा हूं, जैसे कि जब दो एंगल्स को हम प्लस करते हैं अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं, सबसे पहले यही हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल है जिनको, वो दो एंगल जिनको प्लस करने पे क्या है 90 डिग्री है, जैसे 50 और 40। अब ये 50 और 40 को प्लस करो क्या आएगा 90, ऐसे ही 60 30, कुछ भी हो सकते हैं 35 50 55, ये भी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही हमारे होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो दो एंगल्स जिनको प्लस करने पे क्या है 180 डिग्री, जैसे 90 और 90 110 70, ऐसे और भी होते हैं जैसे 120 प्लस 60, ठीक है, तो 120 60 भी क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये जितने भी एंगल हैं वो आपको पता होने चाहिए, ये आपके चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। सबसे पहले अब मैं आपको एक और जो इसमें काम की बात है वो बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको सबसे पहले हम रफ कर लेते हैं, ये एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, इसको मैं स्क्रीनशॉट खींच लो इसकी और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जो दो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करें, इंटरसेक्ट यानी काटे ना, ठीक है। जब दो लाइन आपस में काट देती है तो इसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, जैसे ये दो लाइन है आपस में काट दिया तो ये क्या होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसके बीच के जो बिंदु को बोलते हैं जहां पे ये काट रही है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टर पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब दो लाइन पैरेलल जा रही हूं और एक लाइन इनको काट दे, तो यहां पर ध्यान दीजिए जब ये एंगल वन बराबर किसके होगा इसी के, दो पैरेलल लाइंस है, दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर का जो एंगल होगा वो बराबर होगा। देखिए इस पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल क्या है वन, ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल वन के क्या होगा बराबर होगा। सेम ऐसे ही
इस पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल जिसे हम एंगल 2 दे देते हैं वो बराबर होगा एंगल 2 के, मतलब अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, एक 40 होगा दूसरा 40 होगा, जो भी एंगल की वैल्यू होगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसे ही ये वाला एंगल, इस लेफ्ट साइड का एंगल 3 और इसका भी एंगल 3 बराबर होगा, सेम इसका एंगल 4 और ये एंगल 4 बराबर होगा। तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, दो पैरेलल लाइंस जब एक ट्रांसवर्सल लाइन उन पैरेलल लाइंस को काट रही होती है तो उसके ऊपर के नीचे के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा आता है जिसे बोलते हैं, पहले लिख लेते हैं, वर्टिकल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस काटे और उनके सामने वाले, सामने वाली यानी ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल क्या हो, बराबर हो। जैसे ये एंगल 1 है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, एंगल 1 होगा। ऐसे ही ऊपर वाला एंगल 2 है, नीचे वाला भी क्या होगा, एंगल 2। मतलब अगर एक की वैल्यू 50 है तो दूसरे की भी 50, एक की वैल्यू 30 है तो दूसरे की भी 30। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये वाला, इसको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। हिंदी में भी लिख देते हैं शीर्षाभिमुखकोण, कोई अगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा होगा तो वो भी समझ जाएगा शीर्षाभिमुखकोण। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या आता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसे बोलते हैं अंतः वैकल्पिक 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 कौन। हिंदी में शायद मिस्टेक हो सकता है स्पेलिंग में, तो आप एक बार चेक जरूर कर लें। ठीक है, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस, एक लाइन जो ट्रांसवर्सल इन दोनों को काट रही है। अब देखिए यहां से हम एक वर्ड ले रहे हैं इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या होता है हिंदी में, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो जब दो लाइंस पैरेलल हैं, दोनों लाइंस के अंदर, जैसे मेरा फेस इन दोनों लाइंस के अंदर है, तो ऐसे ही ये दो लाइंस हैं, इनके अंदर वाले कौन, अंदर वाले यानी ये वाला, और ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब होता है ऑपोजिट। तो देखिए इसके ऑपोजिट यानी अगर राइट हैंड साइड है तो दूसरे वाला क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और नीचे क्या होगा, राइट हैंड साइड अगर एक कोण है तो वो दूसरा क्या होगा, इक्वल जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो एंगल 1, एंगल यहाँ पे भी 1 ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी, एंगल 1 के बराबर है। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, वो 40 है तो ये भी 40 होगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होते हैं, जैसे दूसरा पेयर इसका क्या होगा, ये वाला। ठीक है, जो इंटीरियर में है वो और ऑल्टरनेट भी है तो वो क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है जिसे बोलते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं बाहरी वैकल्पिक कोण। ठीक है, बाहरी ऐसे ब्राही कुछ ऐसा लिखा होता है, बाहरी वैकल्पिक कोण। तो इसमें क्या होता है, इसके जैसे नाम से ही पहचानना है हमें, एक्सटीरियर लिखा हुआ है तो एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर। जैसे ये वाला कोण क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर में दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर थे तो यहाँ पे दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर होंगे। तो जैसे ये वाला एंगल 1 तो ये इस तरफ के बराबर होगा एंगल 1, और यहाँ पे एंगल 2 तो ये इस तरफ के एंगल 2 के बराबर होगा। तो ये जो सारे एंगल्स मैंने आपको बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के लिए। जब आप कोई भी एंगल का चैप्टर करोगे, हर एक चैप्टर में ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपके काम में आने वाले हैं। तो बिना, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी नहीं देखी है तो आपका ही नुकसान है, और जो देख रहे हैं वो सारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। तो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपकी फुल सपोर्ट करूंगा। तो थैंक यू।